सब्जेक्ट मशीन डिज़ाइन, कोड ME308। आज हम फ्लाईव्हील के बारे में आगे पढ़ाई करेंगे। पूर्व में हमने फ्लाईव्हील में एक क्वेश्चन देखा था, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में अधिकतर 4 या 5 नंबर का पूछा जाता है। इसके साथ फ्लाईव्हील का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, जिसमें कि डायमीटर ऑफ फ्लाईव्हील, मास ऑफ फ्लाईव्हील, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लाईव्हील रिम आदि पूछा जाता है। आगे देखें, स्ट्रेसेस इन फ्लाईव्हील रिम। हम जानते हैं कि टेंसिल स्ट्रेस ड्यू टू सेंट्रिफ्यूगल फोर्स होगा, FT होगा, वो रो वी स्क्वायर होगा। हम वी को W इंटू आर लिख सकते हैं। तो FT जो होप स्ट्रेस कहलाता है, टेंसिल स्ट्रेस कहलाता है, या फिर स्ट्रेस इन रिम कहलाता है, FT हो जाएगा रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हम जानते हैं कि जो V होता है वो पाई ND अपॉन 60 होता है। इसकी सहायता से हम डायमीटर ऑफ रिम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर रो डेंसिटी ऑफ फ्लाईव्हील मटेरियल है, V वेलोसिटी ऑफ फ्लाईव्हील है, और FT है वो होप स्ट्रेस है। इसी तरह से जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लाईव्हील रिम ज्ञात करना हो तो हमें मालूम है वॉल्यूम होता है, मास होता है, वो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। वॉल्यूम होता है 2πr इंटू डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लाईव्हील रिम। 2πr हमारे पास परिधि हो जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन b इंटू t हो जाएगा और इंटू डेंसिटी हो जाएगी। इसकी सहायता से हम मास ऑफ फ्लाईव्हील ज्ञात कर सकते हैं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लाईव्हील रिम ज्ञात कर सकते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लाईव्हील। एनर्जी कितनी स्टोर होती है फ्लाईव्हील में, वो E=12 ωs² द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। I को mk² लिख सकते हैं, तो एनर्जी हो जाएगी 12 mk² इंटू ωs². यदि हम k जो कि रेडियस ऑफ गायरेशन है उसको फ्लाईव्हील की रेडियस द्वारा रिप्लेस कर दें तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा E=12 ωs². धन्यवाद।